बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन टेक। वी आर बैक विथ अनदर ट्यूटोरियल ऑन सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। इस बार जो हमारा ट्यूटोरियल है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप, प्रीवियस भी जितने भी ट्यूटोरियल थे वो सारे के सारे प्रैक्टिकल थे, ये भी एक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल है। इसके अंदर हम आपसे बात करेंगे ADSB। ADSB होता क्या है? सिंपली ADSB इज़ नोन एज एडवांस डिपेंडेंट सर्वेलेंस ब्रॉडकास्ट, ADSB। अब ये होता क्या है, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इट ADSB इज। ADSB एक बीकन होती है, एक एक सिग्नल होता है जो कि जो भी एयरक्राफ्ट उड़ता है वो जो नहीं अपना एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को इंफॉर्मेशन भेजता है। उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, उसके अंदर आपका एल्टीट्यूड होता है, आपकी लोकेशन होती है, आपकी ग्राउंड स्पीड होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन वंस पर सेकेंड आपके एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को अपना भेजी जाती है। नॉर्मली इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1090 MHz और 1.09 GHz की फ्रीक्वेंसी है इसकी, जो हमारे पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है। तो लेट्स ट्राई टू कैच दैट सिग्नल और हम इसको मैप करके देखते हैं कि ना ये क्या है, ये कैसे नज़र आता है एक्चुअली ये सिग्नल। तो उसके लिए जो आपके पास जो फर्स्ट एप्लीकेशन है जो आपने इस्तेमाल करनी है, अच्छा अभी मैं विंडोज़ का सेटअप हूँ, सेम थिंग यू कैन डू इट फॉर लिनक्स एज वेल। तो हमारे पास जो सबसे पहला सेटअप है उसको जो आप गूगल करेंगे वो है डम्प 1090 विंडोज। सिंपली गो टू दिस लिंक और अल्लाह आपका भला करे, जस्ट क्लिक हियर और डम्प 1090 आप सिंपली उसको डाउनलोड कर लो। इफ यू गो हियर, ये आपके पास लिंक है। आई विल ऑल्सो पुट द लिंक अंडर द डिस्क्रिप्शन, आप वहां पे भी आके कर सकते हो। और सिंपल ये उसको अनजिप करना है और एंड जस्ट डबल क्लिक इट एंड इट विल रन परफेक्टली फाइन, सही है। और उसके लिए आप बैच कोड बना सकते हो, बैच कोड मैं आपको किसी दिन और टाइम पे बता दूंगा। तो डंप ये करना है और आपने एक टूल डाउनलोड करना है विच इज़ नोन एज वर्चुअल रेडार। वर्चुअल रेडार के नाम से एक टूल है, जो सिंपली टाइप वर्चुअल रेडार सर्वर, गो हेयर एंड सिंपली डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। ऑल्सो आई विल प्रोवाइड द लिंक एज वेल, इसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सिंपली डाउनलोड दैट। तो ये दो टूल ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किए हैं। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट थिंग की जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जो मेरा डंप 1090 है वो मेरे पास मेरे डाउनलोड फोल्डर में है। आई विल सिंपली गो हेयर, यहाँ पे मेरे पास डंप फोल्डर है, ये जिप की फॉर्म के अंदर था, यहाँ पे दिस इज इन एन अनजिप फॉर्म। सिंपली जस्ट डबल क्लिक ऑन इट और जस्ट डबल क्लिक ऑन द फोल्डर और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे एक फाइल बनी हुई नजर आ रही है, एप्लीकेशन, इसको आपने डबल क्लिक करना है। लेकिन बिफोर यू डबल क्लिक ऑन दिस, और इसके ऊपर आपने देखा होगा उन्होंने एक बैच फाइल भी बनाई हुई है, बैच फाइल सिंपल फाइल है, कोड लिख दिया वो ऑटोमेटिकली रन करके आपको सेटअप दिखाएगा। उससे पहले हमने अपनी हैंडी, अब जो हमारे पास प्रैक्टिकल सेटअप होगा उसके अंदर हमने जो किया है, हाउ डू वी आर कैप्चरिंग लाइव सिग्नल्स, हम कैसे कैप्चर करेंगे, उसके लिए हमने किया क्या है कि वी हैव आर RTL SDR डोंगल, जो कि मेरे पास ये डोंगल है जो कि कंप्यूटर के अंदर कनेक्टेड है, RTL SDR डोंगल। इसकी जो दूसरी पोर्ट है आपके पास, ये मेरी एंटेना के अंदर कनेक्टेड है, इफ़ यू कैन फॉलो दिस केबल, और हेयर इज माई एंटेना, ये आपके पास एंटेना मैंने सिंपली लगाया हुआ है, दैट्स इट, अ सिंपल एंटेना विच इज कनेक्टेड टू माई RTL SDR डोंगल और देन RTL SDR डोंगल इज कनेक्टेड टू माई USB पोर्ट। अब आप ये हैरान हो रहे होंगे, नॉर्मली हम जहाँ पे वीडियो बनाते हैं वो डिफरेंट सेटअप है, ये डिफरेंट सेटअप है, उसकी ज़रूरत ही हमें इस वजह से पड़ी कि टू कैप्चर दी सिग्नल्स आई नीड टू बी लाइक अंडर अ स्पेशियस स्पेस। तो इस वजह से मैं अपने घर के अपना बिल्डिंग से बना रहा हूँ ताकि आपके पास वो सिग्नल लाइव आए। अच्छा जी, मेरे पास ये अब ये सेटअप कंटिन्यू हो गया। अगर आपने देखना है कि इसके ड्राइवर्स वगैरह विंडोज़ में कैसे इंस्टॉल करते हैं, वी विल ऑल्सो लिंक द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। सो जस्ट सिंपली क्लिक हियर, ये जो मैंने बैच फाइल बनाई हुई है, जस्ट सिंपली क्लिक हियर, डबल क्लिक ऑन इट, आपका ये अब ये चलना शुरू हो गया। अब ये क्या कर रहा है कि ये एंटेना जितना भी है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करना शुरू कर देगा, जो भी अभी इस एंटेना के ऊपर आ रही है, थोड़ी थोड़ी देर के अंदर जो भी हमारे पास एयरप्लेन होगा। अब देखें ये जो ये आ गई, ये लाइव आ गई, ये कॉल साइन आया है, इसकी स्पीड आ गई, लॉन्गिट्यूड, ये सारा डिस्टेंस आ गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट होना शुरू हो गई। जब ये पॉपुलेट हो रही है, सिंपली रन एन एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल रेडार, जो कि हमने पहले अपना डाउनलोड की हुई थी, उसको आपने सिंपली सेटअप को चलाना है, रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड जस्ट सिंपली क्लिक यस। जैसे ही आप इसको रन करोगे आपने दो तीन चीजें करनी है, क्विकली आपने टूल्स में जाना है,
टूल्स में जाने के बाद यू नीड टू गो टू ऑप्शंस, ऑप्शंस में रिसीवर्स में जाना है, रिसीवर्स में जाकर टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओके करना है आपका, ये अपना फिर ये आपसे एक दो सवाल पूछेगा, मेरा ऑलरेडी हुआ हुआ है तो इस वजह से वो नजर नहीं आएगा। तो फिर आपने करना क्या है कि आपने इसके ऑप्शंस में जाना है, रिसीवर के ऊपर क्लिक करना है, रिसीवर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन के ऊपर क्लिक करना है आपने, टेस्ट कनेक्शन के ऊपर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया एंड जस्ट सिंपली क्लिक ओके, दैट्स इट। अब उसके बाद होगा क्या कि आपके पास ये चीज़ ऑलरेडी कनेक्टेड आ जाएगी यहाँ पे, ये देखें यहाँ आ रही है। अब आपने करना क्या है कि आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो आपकी जिस प्लेन की इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके पास, इस प्लेन की इन्फॉर्मेशन को हमने एक्चुअल मैप के ऊपर देखना है और हमने इसकी प्लेन की मूवमेंट को देखना है। सो ये जो आपके पास लोकल लिंक आ रहा है HTTP 1.2, ये नॉर्मली लूप बैक एड्रेस होता है वर्चुअल रेडार का है। जस्ट सिंपली क्लिक हियर और आपके पास एक मैप खुल गया। लेट्स सी कि हमारे पास वो कितनी जल्दी मैप खुलता है, ये आ गया। अब अगर आप ये यहाँ से देखें इस मैप को, तो अब मैं पहले यहाँ से देखता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास, चूंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चली गई है क्योंकि वो प्लेन इस जो मेरे जो एंटेना की रीच है उससे निकल गया है, तो अभी वो मुझे दिखाएगा नहीं। जैसे ही फिर कोई प्लेन इसकी डायरेक्शन के अंदर आएगा, क्योंकि जो हमारे पास एंटेना लगा हुआ है वो कोई इतना अच्छा एंटेना नहीं है, इसके लिए जो एंटेना रिक्वायर्ड है वो कहलाते हैं कोलिनियर एंटेनास। ये तो एक चीप RTL SDR डोंगल के साथ जो एंटेना आता है वो हमने सिंपल वो एंटेना लगाया हुआ है, तो इस वजह से वो अभी चला गया है वो अपना ना वो फ़ोन। ये देखें अब ये जैसे ये फ्लाइट नज़र आई आपके पास, ये फिर ये फ्लाइट नज़र आई, तो हमारा जो वर्चुअल सर्वर है आपने इसको क्लिक किया, इसको हम खाली रिफ्रेश करेंगे, हिट एंटर करेंगे, जैसे ही हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आएगी ये चीज़ हमारे पास पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगी। गिव इट सम टाइम, क्योंकि अभी मेरे पास एल्टीट्यूड कॉल साइन वगैरह भी इसका आया नहीं है। जैसे ही ये कॉल साइन की जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी मेरे पास पूरी फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ सेकेंड, लेट्स सी कि हमारे पास ये वाली फील्ड्स पॉपुलेट होती हैं नहीं होती। जैसे ये फील्ड पॉपुलेट होना शुरू हो जाएंगी हमारे पास एक्चुअल प्लेन नज़र आ जाएगा, प्लेन किस डायरेक्शन में ट्रैक कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली आई एम गेसिंग कि वो ये प्लेन होगा, बट लेट्स सी, क्योंकि राइट नाउ वी आर इन कराची, तो कराची के अंदर हमारे पास देखेंगे क्या आता है। लेट्स वेट फॉर दिस इन्फॉर्मेशन टू गेट पॉपुलेटेड फॉर अ लिटिल बिट, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। कम अज़ कम इसका कॉल साइन आ गया, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी उसके अंदर इसका फ्लाइट नंबर होगा, और ये भी इन्फॉर्मेशन चली गई। देख रहे हैं आपके पास ये भी इन्फॉर्मेशन चली गई, यानी कि वो एंटेना की जो देखने की रेंज है उससे वो निकल गया अभी फिलहाल। सो वी हैव टू वेट, लेट्स से कि हमारे पास ये आती है नहीं आती। तो मेरे ख्याल से आप प्रोसेस तो तकरीबन समझ ही गए, मैं आपको लेकिन लाइव दिखाना चाह रहा हूँ, प्रोसेस आप समझ गए। देखिए वी आर बैक, हमारे पास कुछ देखिए फ्लाइट का आ गई है, दो फ्लाइट हमारे पास हमने कैप्चर कर ली है काफ़ी वेट के बाद। ये ICAO नंबर है, ये इसका कॉल साइन है PIA 370, दो फ्लाइट, इनके एल्टीट्यूड आ रहा है, स्पीड आ रही है, लैटीट्यूड आ रहा है, लॉन्गिट्यूड आ रहा है, वेयर दे आर हेडिंग, इनकी सिग्नल स्ट्रेंथ और सीन कितनी देर पहले। ये हो गया जो मैंने आपको वर्चुअल रेडार बताया था, वो मैंने जैसे ही रेडार को चलाया ये देखिए यहाँ पे आ गई, मेरे पास एक की इन्फॉर्मेशन आ रही है। देखें ये मेरे पास जहाज़ आ रहा है, ये जहाज़ की मूवमेंट देखिए नज़र आ रही है, जहाज़ जाता हुआ नज़र आ रहा है, अभी गुलशन म्यांमार के ऊपर है। वर्चुअल रेडार मैंने सिंपली खोला है और खोल के इसको देख रहा हूँ, ये देखिए जहाज़ की मूवमेंट आ रही है। अच्छा ये जहाज़ देखें मूव होता हुआ नज़र आ रहा है आपको, होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा, और एक जहाज़ आपका देखें यहाँ पे भी है। आप इस जहाज़ के ऊपर क्लिक करेंगे या आपको यहाँ पे आके ये जहाज़ की इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब ये जहाज़ की इन्फॉर्मेशन इसका राउट देखें यहाँ पे बता रहा है इज़ नॉट नोन, लेकिन हमारे यहाँ पे ये समंदर के अंदर कहीं से आया है जहाज़, ये देखिए यहाँ से ये जा रहा है, ये जहाज़ जा रहा है, और ये जिस किस्म का प्लेन फ्लाई कर रहा है उस किस्म की प्लेन की तस्वीर भी नज़र आ रही है, इसका एल्टीट्यूड नज़र आ रहा है, और इस जहाज़ का नाम नज़र आ रहा है कि पोलैंड का कोई जहाज़ है, और ये साफ फेयरचाइल्ड 340A, इसकी स्पीड इतनी है, वर्टिकल डिस्टेंस ये तो ये जहाज़ है जो कि ये वाला येलो वाला नज़ारा, और जो हमारा जो PIA की फ्लाइट है 370 जो कि ये नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई। ये जहाज़ है एयरबस है A320-214 है, इसकी स्पीड है 7000, एल्टीट्यूड जो अभी मौजूद है ये 7525, वर्टिकल अपना स्पीड इसकी ये है 2320-240 फीट पर मिनट, और स्पीड हेडिंग डिस्टेंस ये सारी चीज़ें, लैंड प्लेन है, ट्विन जेट है, और ये कराची से इस वक्त कहाँ पे जा रहा है, इस्लामाबाद पे ऊपर जा रहा है।
और अब देखेंगे दूसरा जो जहाज था वो हमारी रेंज से बाहर हो गया, तो वो अभी चला गया, ये अभी तक हमारी रेंज के अंदर है, तो हम स्कोर मजीद देख लेते हैं कि एग्जैक्टली है किधर पहुंचा और किधर है। तो अभी ये अगर आप ये देखें, ये तकरीबन गडाब रोड के ऊपर पहुंच गया ये जहाज, और हम इसको और मजीद ट्रैक करते हैं, गडाब रोड आ गया और ये मैप जैसे जैसे ये जहाज यहाँ भाग गया, और इस तरीके से करके आप इसको मैप के ऊपर मैप कर सकते हैं और आपको पास ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके राइट हैंड के ऊपर आ जाएगी। जितने ज़्यादा जहाज होंगे उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको आती चली जाएगी, आप जहाज़ को इसके ऊपर मैप करवा के और इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन जो आपको नज़र आएगी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की, जिसके अंदर हम ADS-B मोड बीकन जो कि एक सिग्नल होता है जो कि एक जहाज़ ब्रॉडकास्ट करता है उसको हम देख रहे होते हैं। सो लेट्स मिनिमाइज दिस ताकि हमें इसकी मूवमेंट नज़र आए, और इस तरह आप अपने जहाज़ों को ईजली तौर पर ट्रैक कर सकते हैं। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आवर चैनल इज नेक्स्ट जेन टेक ऑन यूट्यूब, नेक्स्ट जेन _ टेक ऑन इंस्टाग्राम एंड नेक्स्ट जेन टेक ऑन फेसबुक फॉर एनी इंटरेस्टिंग वीडियो। अभी आप लोग देख रहे थे तो आपको नज़र आया कि वो प्लेन गायब हो गया, इसका मतलब ये कि वो हमारी रेंज से बाहर हो गया और हमारे पास ये डंप पॉइंट और यहाँ पे जो हमारे पास स्क्रीन थी वो भी ऑलमोस्ट अब गायब हो जाएगी। हमारे पास और इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैप होकर यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। अस्सलाम वालेकुम।